कुंबले ने कुछ तो देखा होगा बनिंदु हसरंगा पे बड़ा दाव चलते हुए। क्या हुआ कहानी अब तक की है? IPL 2022 के लिए बेंगलुरु में चल रही खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई है। दरअसल नीलामीकर्ता ब्रिटेन के ह्यूग एडमिट्स अचानक बेहोश होकर मंच से गिर गए। अनिल कुंबले ने कुछ तो देखा होगा बनिंदु हसरंगा पे बड़ा दाव चलते हुए। क्या हुआ कहानी अब तक की है? यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो श्रीलंकाई खिलाड़ी वनिंदु हसरंगा की बोली लगवा रहे थे। कुछ तो देखा होगा वनिंदु हसरंगा पे बड़ा दाव चलते हुए। क्या हुआ कहानी अब तक की है? हसरंगा की बोली 10.75 करोड़ रुपए तक ही पहुंची थी कि अचानक वो बेहोश हो गए। इस घटना के बाद हॉल में मौजूद लोग हक्का बक्का रह गए। किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर अचानक ये क्या हो गया। वहीं केकेआर के मालिक और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और बेटे आर्यन खान भी बिल्कुल शॉक हो गए। आपको बता दें कि ह्यूग एडमिट्स पहली बार 2019 में IPL नीलामी के लिए आए थे। उन्होंने वेल्स के रिचर्ड मेडली की जगह ली थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने पिछले हफ्ते ही बताया था कि एडमिट्स एक बार फिर से नीलामीकर्ता के रूप में वापसी कर रहे हैं। वो पहली बार मेगा ऑक्शन में बोली लगाने के लिए आए हैं। उनसे पहले रिचर्ड मेडली नीलामी का काम संभालते थे। जब ह्यूग को 2019 में IPL ने इस काम के लिए नहीं बुलाया था तो उन्होंने निराशा भी जाहिर की थी। नीलामी में आने से पहले एडमिट्स ने एक वेबसाइट से बात करते हुए कहा था कि मैंने इतनी बड़ी नीलामी पहले कभी नहीं की है। IPL की नीलामी लंबे समय तक चलती है। मुझे भी नहीं पता कि नीलामी के लिए मेरे अंदर से ऊर्जा कहां से आती है। दो दिवसीय नीलामी के बाद मैं 14 फरवरी को लंदन वापस जाते समय फ्लाइट में बेहतरीन नींद लूंगा। लेकिन आज जिस तरह से वो अचानक बेहोश होकर गिर गए उससे यही लगता है कि ज्यादा देर तक नीलामी की जिम्मेदारी संभालते संभालते ही ह्यूग की शारीरिक क्षमता जवाब दे गई। बहरहाल उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया जहां मेडिकल टीम ने उनकी जांच करते हुए ये जानकारी दी कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिसके बाद कुछ समय बाद ही एक बार फिर से नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अनिल कुंबले ने कुछ तो देखा होगा बनिंदु हसरंगा पे बड़ा दाव चलते हुए। क्या हुआ कहानी अब तक की है?